हेलो, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप? भावना गुडफील में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी, एक नया टेस्ट और एक नई खुशबू लेकर। तो शुरू करती हूँ आज की रेसिपी। और आज मैं आपके लेकर आई हूँ बहुत ही चटपटी स्पाइसी रेसिपी। बहुत ही नॉर्मली होती है, लेकिन इसे कुछ स्पेशल मेथड से बनाए तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आज मैंने लिए हैं, ये छोटे छोटे आलू लिए हैं, बेबीज पटेटो, और छोटे छोटे आलू हैं ये। तो इनकी सब्जी बहुत ही डिफरेंट बनती है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने ये आलू लिए हैं, आज मैं इन आलू की बहुत ही चटपटी सब्जी बना के दिखाऊंगी आपको। तो सबसे पहले मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है सब आलू को, और एकदम ये डस्ट फ्री हैं। तो मैं सबसे पहले इनको डालती हूँ कुकर में। तो इनको डालती हूँ मैं कुकर में, और कुकर में इनको डालने के बाद मैं डालूंगी इसमें आधा गिलास पानी, और इसका ढक्कन इसका कर देती हूँ बंद। और मैं इसमें 2 विसल लाने तक इसको मैं बॉईल करूंगी। तो मैं इसको चढ़ा देती हूँ गैस पर, और इनको पहले बॉईल करके और उनको छील लेती हूँ, पील कर लेती हूँ। तो मैंने रख दिया है इनको गैस पर, फ्लेम अपना चालू कर दिया है, और मैं 2 सीटी आने तक उनको उबालूंगी। और उबालने के बाद मैं ठंडा करके इनको मैं छील लेती हूँ पहले। और जब तक हो रहे हैं आलू बॉईल, तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसके लिए मैंने ये मसाला लिया है। एक लिया है मैंने टमाटो, और 2 ली है मैंने लहसुन, गार्लिक की कलियाँ, और एक मैंने प्याज लिया है जिसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। 1 इंच का लिया है मैंने अदरक का टुकड़ा, जिंजर, और ये गार्निश के लिए लिया है मैंने ये कोरिएंडर लीव्स, धनिया लिया है फ्रेश धनिया, और ये ली है मैंने ग्रीन वाली रेड चिली जो नॉर्मली रेड हो जाती है रखे हुए। इनसे डालने से बहुत ही अच्छा कलर आता है सब्जी का। ग्रीन वाली से सब्जी का कलर दब जाता है, लेकिन इनसे बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही स्पाइसी दिखाई देती हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो मैं सबसे पहले इनको डालती हूँ मिक्सी के जार में, ओके, और मैं इनको पीस लेती हूँ उस मसाले को। तो मैंने डाल दिया है ऑनियन, और 2 लहसुन की कलियाँ, गार्लिक, रेड चिली, जिंजर, और ये 1 टमाटर, इसको भी मैं इसमें काट लेती हूँ मोटा मोटा। और मैं इसका बना लेती हूँ फाइन पेस्ट, और इसका मसाला पहले रेडी कर लेती हूँ। तो मैं इसके बाद में सब्जी बनाना स्टार्ट करेंगे, तो पहले मसाला पीस लेती हूँ। तो मसाला हो गया है पीस के रेडी, और मैं इसे पलट लेती हूँ एक कटोरी में। तो इसको पलट लेती हूँ पहले। तो मसाला मैंने पीस के कर लिया है रेडी, और उधर आपको दिखा देती हूँ, उधर मैंने अपने आलू को छील लिया है, और ये आलू बॉईल हो चुके हैं। तो मेरे आलू छिलके रेडी हैं, और उधर मेरा मसाला भी रेडी है। तो रेसिपी बनाना चालू करते हैं। तो मैंने अपना गैस चालू कर दिया है, उस पर रख दी है कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दिया है मैंने ऑयल, और ऑयल होने वाला है। तो चेक करती हूँ अपना ऑयल, मेरा ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए मैं थोड़े से इसमें जीरे के दाने डालूंगी, ताकि मालूम चल जाए कि ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ऑयल हो गया है गर्म, जीरा आने लगा है ऊपर। तो हो गया है मेरा ऑयल गरम। तो मैं इस आलू को उसमें डालूंगी, और आलू को फ्राई करूंगी। हल्का गोल्डन कलर मुझका इसका करना है। तो मैं इनको करती हूँ थोड़ा गोल्डन कर देती हूँ, कुरकुरा सा। तो हम इनको हर 2 मिनट बाद इनको चलाते रहेंगे हल्का हल्का सा, ताकि ये हर तरफ से गोल्डन हो जाए और फ्राई हो जाए हल्के से। इससे सब्जी का बहुत ही अच्छा कलर आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है। तो मैं इस तरह से आपको दिखा देती हूँ, इस तरह का इसका कलर मुझे करना है हल्का गोल्डन। तो मैं इसे 2-3 मिनट अभी और फ्राई करूंगी, और इस तरह मुझे इसे चलाते रहना है हर 2 मिनट बाद, 1 मिनट बाद। तो मैं इनको हल्का सा गोल्डन और कर लेती हूँ अभी। और हो गए हैं इसे 3-4 मिनट फ्राई होते हुए, और देखिए बहुत ही अच्छा गोल्डन, हल्का लाइट गोल्डन कलर आया है, और इसी तरह का मुझे इसका कलर चाहिए। तो मैं अपना फ्लेम कर देती हूँ लो, और इनको पलट लेती हूँ पहले एक प्लेट में। इनको एक प्लेट में पलट लेती हूँ पहले, और मैंने पलट लिया है इनको एक प्लेट में। आपको दिखाती हूँ बहुत ही अच्छा कलर आया है, और इधर दिखाती हूँ, इधर कढ़ाई में गर्म हो रहा है ऑयल। तो मैं इसे अब बनाऊंगी इसी ऑयल में। तो 1/2 स्पून मैं डालूंगी इसमें जीरा, क्यूमिन, और 1/4 स्पून लिया है मैंने ये करीब 2-3 चुटकी है हींग, 1-2 पिंच हींग, और ये लिया है मैंने 1/2 स्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर लिया है। तो हल्दी पाउडर डालती हूँ, और फिर जस्ट बाद ही मैं अपना मसाला डाल देती हूँ इसमें। और इसके बाद डालूंगी 1/2 स्पून गरम मसाला, और मैं इसमें रेड चिली नहीं डालूंगी, लाल मिर्ची पाउडर नहीं डालूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें 4 लाल मिर्ची डाल दी हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं डालूंगी, वही मिर्ची काफ़ी है। और ये लिया है मैंने 1/2 स्पून क्यूमिन पाउडर, धनिया पाउडर लिया है ये कोरिएंडर पाउडर, और ये लिया है मैंने 1 चम्मच लिया है मैंने ये
कसूरी मेथी और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है सब्जी में, तो मैं इसे डालती हूँ और इस सबको कर लेती हूँ मैं मिक्स और मैं ढक्कन डालकर स्लो फ्लेम पर इस मसाले को अच्छी तरह से पका लेती हूँ। जब तक कि मसाला मेरा ऑयल से सेपरेट नहीं हो जाता है और मसाले से अलग नहीं हो जाता है तब तक मैं इसे पकाऊंगी। एक बार मैंने बीच में इस मसाले को चेक कर लिया था और अब हो गए हैं 2 मिनट, तो दोबारा से चेक करती हूँ मसाला भुना है कि नहीं भुना है और आपको दिखाती हूँ एकदम पास लाके। और आप देखिए जो ऑयल है मसाले का, वो ऑयल एकदम मसाले से हो रहा है सेपरेट, ऑयल ने मसाले को छोड़ना शुरू कर दिया है और तले से मसाला बिल्कुल छूट रहा है। इसका मतलब मसाला पक्के हो चुका है, एकदम रेडी शेडी और मसाले से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही गजब का मसाला भुन के तैयार हुआ है। इसके बाद में मैं डाल दूंगी इसमें अपने फ्राइड आलू और इसके बाद मैं डालूंगी इसमें 1 गिलास पानी लिया है मैंने। आप जितना इसमें ग्रेवी रखना चाहें उतना पानी करें, तो मैंने इसमें 1/2 गिलास पानी कर दिया है। 1/2 गिलास वाटर डालने के बाद में मैंने लिया है ये 1/2 स्पून सॉल्ट लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो नमक डाल देती हूँ। और इस सब को डालने के बाद मैं कर लेती हूँ इसको मिक्स और देखिए क्या गजब सब्जी का कलर आया है। और मैं इसे ढक्कन डालकर अभी 2-3 मिनट पकाऊंगी अच्छी तरह से, ताकि जो मसाला है वो एकदम ऑब्जर्व हो जाए, इस आलू के अंदर चला जाए। और मैं इसे थोड़ा देर पका लेती हूँ ढक्कन डाल के पहले। तो सब्जी ने उबलना कर दिया है चालू और हो गए हैं 2-3 मिनट, तो ढक्कन हटाती हूँ और दिखाती हूँ सब्जी की कंडीशन। और देखिए बहुत ही बढ़िया सब्जी बनके रेडी हुई है। जब भी आपके घर में छोटे छोटे आलू हों तो इसकी सब्जी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में ये। और आप इस तरह से इसे बनाएंगे जिस तरह से मैंने बनाई है, तो ये बहुत ही बढ़िया बनने वाली है। और फाइनली जो मैंने कोरिएंडर लीव्स लिया था इसको मैंने काट लिया है और इससे करती हूँ इसे थोड़ा सा गार्निश। और देखिए सब्जी का क्या कलर आया है, एकदम बढ़िया और सब्जी बहुत ही सुंदर लग रही है और खाने में तो इसका जवाब ही नहीं होगा। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो सब्जी बनके हो चुकी है एकदम रेडी और बहुत ही अच्छा कलर आया है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। और आपको मेरी रेसिपी लगी है कैसी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप आए हैं मेरे चैनल पर आज नए, तो कर लीजिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब और कर दीजिए 1 लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरा वीडियो लगा है कैसा। ओके बाय, सी यू, टेक केयर, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप रखिए अपना ख्याल, अपनों का ख्याल। बाय, सी यू।